जनता ये सब जनता गम में डूबी चली। देखो जी मेरे बाबा की डोरी चली, देखो जी मेरे बाबा की डोरी चली। पूज्य बाबा का जब देहांत हो गया, भारत की राजधानी दिल्ली शहर, वहां पूज्य बाबा का देहांत हो गया, ये खबर अखबार न्यूज़पेपर रेडियो द्वारा हवा के जैसी फैल गई और जनता का क्या हाल हुआ। पागल सी बन गई ये जनता, पागल सी बन गई। देखो जी मेरे बाबा की डोली चली, देखो जी मेरे बाबा की डोली चली। महा दिसंबर 6 तारीख को वो दिल्ली भई जायन हो, दिल्ली भई डायन। स्त्रिया चरित की जाल बिछाई वो मैया मुरी पापन, गगन में गम की छाई बदरिया, गगन में गम की छाई बदरिया। बांध के आई कफन दमन की, ऐसी आंधी चली। देखो जी मेरे बाबा की डोली चली, देखो जी मेरे बाबा की डोली चली। पहुंची अर्थी जब मुंबई में, लाखों थे नीर बहाए, देश विदेश से दलित जनता दर्शन को दौड़े आए। कोई तो पीटे छाती अपनी, कोई तो पीटे छाती अपनी, कोई कहे हाय हाय उजड़ गई ये बगिया फूली फली। देखो जी मेरे बाबा की डोली चली, देखो जी मेरे बाबा की डोली चली। राजगृह से डोली सजा कर चले थे लाखों गम ख्वार, चंद्रमणि गुरु धम्मानंद जी करते थे मंत्र उच्चार। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पूज्य बाबा के धम्म गुरु और आम जनता के धम्म गुरु चंद्रमणि जी और धम्मानंद जी
पूज्य बाबा के सिरहाने के पास बैठकर ये मंत्र को बार बार दोहरा रहे थे, इसीलिए कहा है बुद्धं शरणं और गच्छामि, बुद्धं शरणं और गच्छामि, मंत्र कहे बार बार, धर्म की हाथों में दीप जली, देखो जी मेरे बाबा की डोली चली, देखो जी मेरे बाबा की डोली चली, पार्क शिवाजी शून्य जगह पर डोली धरे गम सवार, पार्क शिवाजी शून्य जगह, ऐसा इस गीत के लेखक मोतीराम जी सोनो ने इन्होंने क्यों संबोधित किया, ऐसा क्यों कहा है, इसीलिए कि आम जनता की और नेतागण की ये मांग थी कि जहाँ मुंबई शहर महाराष्ट्र की राजधानी है, वहाँ बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े राष्ट्रीय पुरुष इनका निवास है, और इसमें से कुछ गुजर गए होंगे तो उनका अंतिम संस्कार जहाँ किया गया, जैसे कि लोकमान्य तिलक इनका अंतिम संस्कार गिरगांव चौपाटी पर हुआ था, इसीलिए आम जनता की और नेतागण की ये मांग थी कि हमारे पूज्य बाबा का भी अंतिम संस्कार उसी जगह होना चाहिए, मगर हमारी दलित जनता का महासैलाब देखकर पूरी पुलिस यंत्रणा, महाराष्ट्र शासन और मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी मुंह में उंगलियां डालकर हक्का बक्का होकर देख रहे थे कि पूज्य बाबा के प्रति इस दलित जनता का कितना लगाव है, कितना प्रेम है, और उन्होंने फिर विनती की हमारे नेतागण को कि भाइयों जितना पूज्य बाबा का निधन होने पर आपको जितना दर्द है, दुख है, उसका उतना ही हमको भी दुख है, इसीलिए ये महासैलाब जिस रास्ते से गुजरेगा, जिस बस्ती से गुजरेगा, उधर का जनजीवन क्या हो सकता है, ये आप ही सोच लीजिए, ऐसा कहकर नेतागण को उन्होंने चुप किया और जनता को मानना पड़ा कि चलो ठीक है, पूज्य बाबा का निवास स्थान दादर के पास ही था, दादर स्टेशन के पास, और वहाँ से दादर चौपाटी शिवाजी पार्क नज़दीक था, इसीलिए वो जगह पूज्य बाबा के अंतिम संस्कार के लिए दी गई, इसीलिए इस गीत के लेखक मोतीराम जी सोनो ने इन्होंने इस जगह को कौड़ी का भी मोल नहीं, ऐसी जगह हमारे पूज्य बाबा के अंतिम संस्कार के लिए दी है, ऐसा कहा है, इसीलिए कहा है पार्क शिवाजी शून्य जगह पर डोली धरे गम सवार, और चंदन चिता पर मेरे बाबा की अर्थी हिल मिल के रखे उतार। अब थोड़ी ही देर में उस चंदन के चिता को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सुपुत्र यशवंतराव जी अम्बेडकर अग्नि लगाने वाले थे। बहनों और भाइयों, आज हमारे लिए बहुत दुख का दिन है। लाखों अछूतों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने बाबा साहब 16 दिसंबर को मुंबई आना चाहते थे, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो आज इस तरह यहाँ आए हैं, लेकिन इस रूप में ही सही। जब बाबा साहब यहाँ आए हैं तो वो कार्य जरूर होगा जो वो चाहते थे, जो वो दीक्षा देना चाहते थे, आज इस पवित्र पार्थिव शरीर को साक्षी मानकर हम लेंगे। हम सभी भदंत आनंद कौशल्यान जी से निवेदन करते हैं कि वे धम्म दीक्षा
धर्मांतरण का कार्य आरंभ करें। जिन लोगों को बौद्ध धर्म स्वीकार करना है वो हाथ ऊपर करें। चिता से थोड़ी ही दूरी पर इस गीत के लेखक मोतीराम जी सोनोने दुखी अंतकरण से खड़े हैं। उनके दिल में एक ख्याल आता, एक ख्याल जाता, एक ख्याल आता, एक ख्याल जाता। ऐसे ही एक ख्याल आ गया कि अब चिता को अग्नि लगाने के बाद चंदन की एक एक लकड़ी सुलग कर बहुत बड़ा शोला भड़केगा और उस शोले के लपेट में आकर हमारे पूज्य बाबा का शरीर, हमारे पूज्य बाबा का सिर्फ शरीर जलकर समाप्त हो जाएगा। उनकी कीर्ति, उनका नाम तो अजरामर रहेगा ही। इसीलिए कहा है, अंगारों, शायर मोतीराम जी सोनोने अंगारों से कहते हैं, अंगारों मेरे भीम बाबा को तू गोद में लेके सो गया और चांदनी की चादरों में वो देखो चंदा हमारा सो गया। उसके बाद क्या हुआ? आग लगाई जब ही चिता में, आग लगाई जब ही चिता में, मचने लगी हाहाकार, ये जनता रो रो हाथ मली, देखो जी मेरे बाबा की डोली चली, देखो जी मेरे बाबा की डोली चली। इस गीत का आखिरी बंद है, उसको मैंने शास्त्रीय संगीत के आधार पर बदलाव किया है। आप लोग सुन रहे हैं क्या? तो वो बदलाव करने की वजह से प्रकाशनाथ जी पाटनकर उनको बहुत अच्छा लगा इसीलिए, और उनके पास पूरा गाना नहीं था, उनके पास सिर्फ 3 कड़ी थी, वो भी इसका उसको उसका उसको पंक्ति लगा कर गाती थी, इसीलिए मेरे पास ये वो पूरा गाना लिख कर ले लिया और उनको बहुत पसंद हो गया। आखिरी बंद शास्त्रीय संगीत के आधार पर, तारीख के दिन शाम को पूज्य बाबा का अग्नि संस्कार हो गया। हम 8 तारीख के दिन सवेरे पूज्य बाबा की अस्थि रक्षा विसर्जित करने के लिए दादर चौपाटी पहुंच गए और सभी लोग जितने जमा हुए थे उन्होंने पूज्य बाबा की अपने घर में रखना जरूरी समझकर अस्थि रक्षा थोड़ी थोड़ी लेकर चले जा रहे थे। इसीलिए शायर मोतीराम जी सोनोने सबको प्रार्थना करते विनंती कर रहे हैं कि सबके हिस्से को आने चाहिए, इसीलिए थोड़ी थोड़ी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ले लो अस्थि रक्षा, थोड़ी थोड़ी
अस्थि लेकर लौट चले परदेसी। या भीमदेवा थोड़ी थोड़ी अस्थि लेकर लौट चले परदेसी। कैसे कहे अब दुखड़ा अपना, छाई है कैसी उदासी। सुना सुना घर घर लागे, सुना सुना घर घर लागे, छाई कैसी उदासी। न मन को मोती चैन मिली, न मन को मोती चैन मिली। देखो जी मेरे बाबा की डोली चली, देखो जी मेरे बाबा की डोली चली। जनता गम में डूबी चली, देखो जी मेरे बाबा की डोली चली, देखो जी मेरे बाबा की डोली चली चली चली। मेरे बाबा की डोली चली।